एस पाइप की सीले वीले लेने गया है वो, एस पाइप की सीले क्योंकि अपने पास खत्म हो गई है। कहाँ पे? अच्छा अस्सलाम वालेकुम, आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। और आज स्पेशल डे, मैंने आज दावत रखी है अपने घर वालों के लिए, देग आ गई है बिरयानी की और तहा स्पेशल तैयार हुआ है तो दिखाता हूँ। हमारी बेटी भी तैयार हुई है जी, अनाया परी लग रही हो। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अभी कुछ भी ट्रक काम नहीं है शुरू हुआ। शोरूम बिल्कुल खाली है और सन्नाटे लगे हुए हैं रोडों के ऊपर, कोई कस्टमर नहीं आया। अभी सुबह सुबह का टाइम है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। फ्री टाइम में थोड़ा बहुत काम भी है और साजिद भाई अभी गया हुआ है ट्रैक्टर और गाड़ी खाते गया हुआ है सामान लेने के लिए। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि वो आए तो मैं जाऊँ लेने के लिए रोटी, क्योंकि बाइक नहीं है। बाइक एक ही है शोरूम पे, वो जाए आएंगे वापस तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा। ट्रैक्टर का काम चल रहा है तो ये सारा कुछ बिखरा हुआ है सामने, इसी आ गया जाके सामने ही ट्रैक्टर बन रहा है, क्लच खोला हुआ है उसका। तो अभी फ्री टाइम है तो बैठे हुए हैं। सरूफियात बहुत ज़्यादा चल रही हैं लाइफ में। कुछ जो है, हम सामान लेने गए हुए थे रात में, बच्चे के शूज़ वगैरह लेने थे अनाया के, और शादी का थोड़ा बहुत सामान लेना था, कपड़े लिए हुए थे टेलर को, वो दिए उठाने थे वहाँ से, वो उठाए। तो इसी तरह से जो है ना, मसरूफियात ज़्यादा चल रही है, शोरूम पे भी होते हैं तो रात को जाते हैं तो काम भी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का। 2 दिन से मैंने ब्लॉग बनाया भी नहीं है, आज बना रहा हूँ थोड़ा टाइम मिला है तो। और अभी भी मेरे को जाना है हॉस्पिटल, जाना है कहा को हिफाजती टीके जो हैं वो लगाने, इंजेक्शन तो आई एक रह गई है। 18 तारीख को लगना था, आज 21 हो गई है तो 2-3 दिन लेट हो गए, तो मैंने आज किसी भी हाल में उसको इंजेक्शन लगवाना है ताकि पूरा डोज कम्प्लीट हो जाए। और शाम को मिलाद भी है तो मेरा तो काम नहीं है, लेडीज़ ही है, लेडीज़ कर लेंगी खुद ही बस। और अगले दिन से माइयों मेहंदी के से फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, तो 26-27 तारीख तक यही चलेगा काम। और तो इंशाल्लाह नए ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा शादी के क्या सूरत हाल चल रही है। अभी फ़िलहाल आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। रेडिएटर कहाँ है मुझे क्या है, सर्विस वाला खुद ही लेकर गया भाई। हाँ हाँ, फतेह चौक से होम डिलीवरी, होम डिलीवरी फतेह चौक। अल्टो कार खड़ी हुई थी और सुबह पता नहीं किसने बम्पर के ऊपर जो है ना लाइन मार दी है किसी मोटरसाइकिल वाले ने, तो वो नाम मेरे पे लग गया है कि तुमने मोटरसाइकिल सुबह निकालते हुए इस पर के बम्पर पे मारी है तो कलर उतर गया। तो वो मैंने उनको बताया है इरफान भाई को, ये मेरी गलती नहीं है। और जब मैं सुबह बाइक निकाल रहा था इसके आगे से तो मैंने देखा था पहले से ही निशान था, तो वो कह रहे नहीं नहीं आपने किया है। तो फिर मैंने बैठ के समझाया, मैं नहीं नहीं मैंने सुबह जब मैं निकाल रहा था उससे पहले ही निशान लगा हुआ था, तो मेरी गाड़ी से नहीं लगा आपकी टैंक की निशान। तो वो कह रहे चलो ठीक है, क्या पता कहीं ओल से लगाओ,
क्योंकि सबसे पहले बाइक आपने निकाली थी, हो सकता है तुम्हारे से लगी है। मैंने नहीं भाई, मेरे से नहीं लगी। तो अभी वो गाड़ी लेके जा रहे हैं टचअप के लिए, हल्की सी मामूली सी लगी है तो वो कलम से ही हो जाएगा, लेकिन पता तो चलेगा। जाहिर सी बात है, जब गौर से देखेंगे तो महसूस होगा कि हाँ ये यहाँ से कोई चीज़ लगी है। और दो तीन दिन पहले बानट पे वो जो उसका प्लास्टिक का मरगाड होता है जापानीज का, वो भी हल्का सा क्रैक हुआ है। वो पता नहीं कैसे हुआ है, वो भी हमें नहीं पता। रात को ये लेके गए हुए थे, कहीं लगी होगी तो पता नहीं अब किससे लगी है, ये भी नहीं पता। तो ऐसे ही चल रहा है मामला। अभी जा रहा है शायद लेके, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी इधर ही गाड़ी खड़ी है तो मैं दिखाता हूँ कहाँ से क्रैक हुई है, हल्के निशान आया है स्क्रैच का। ये लगी है, फाइनली ये लिखा गया है और फ्रॉम ये था ट्रैक्टर शोरूम और टू अब्दुल करीम ब्लोच। चलें जी, अब ये फाइनल हो गया है, ये करवा के आते हैं टीसीएस। ये हो गया है फ्रॉम टू